पहुंचेंगे। हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल भी यहां पर पहुंच सकती हैं। इसके अलावा तमाम और जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे। बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है, तो इससे पहले भी तमाम सौगातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। दरअसल 14 सितंबर को पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य में शिलान्यास किया था और यहां पर करीब करोड़ों की सौगात दी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था 20 अक्टूबर को। तो कुशीनगर में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अक्टूबर में ही सिद्धार्थनगर में करीब 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। तो ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है और ये सौगातें जो है लगातार दी जा रही है, यानी कि कंटिन्यू तरीके से दी जा रही है। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि वाकई चुनावों को बनाने की पूरी तैयारी यहां पर बीजेपी ने की हुई है। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में आपका। अश्विनी जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद। अश्विनी जी बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको कि इतनी बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। जी धन्यवाद आपको, धन्यवाद। आगे और भी सौगातें मिलती रहेंगी प्रदेश को। माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी उस प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए अग्रसर हैं जी, जहां हम उन्नति के शिखर पर होंगे। आज हम लोग पूरे देश में इकोनॉमिक व्यवस्था में जो है आर्थिक रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और ये एक जेवर एयरपोर्ट जिस दिन बनकर तैयार होगा, ये जो अपना स्वरूप लेगा, तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के लिए बिल्कुल। बाकी अश्विनी जी भव्य तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, जन सैलाब भी मर रहा है सुबह से ही। देखिए मैं खुश हूँ, आम जनता खुश है इस सौगात से, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा को बहुत ज्यादा परेशानी है। कांग्रेस कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास आधारशिला रखी जा रही है, लेकिन किसानों की जो जमीन गई है उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। देखिए विरोधियों को कुछ न कुछ तो कहना ही है, और किसानों की अगर कोई शिकायत है उसके लिए पूरा एक सेल बना हुआ है, किसान अपना उसमें कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई इक्का दुक्का कोई शिकायत हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कोई शिकायत सुनने में हम लोगों को नहीं आई है कि किसानों को मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया। ये कांग्रेस किया करती थी और समाजवादी पार्टी किया करती होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक जी वाराणसी कुशीनगर लखनऊ एक के बाद एक बड़ी सौगातें, इतनी जल्दी क्यों? चुनावी साल से पहले एकदम झड़ी लगा दी है सौगातों की। नहीं देखिए काजल जी, ये होता क्या है कि कोई भी सरकार अगर आती है तो शुरुआत में जब काम शुरू करना शुरू करती है तो उसमें 2-4-5-10 साल लग जाते हैं उसको मूर्त रूप देते समय जी। तो अभी जब 5 सालों तक देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास के काम किए उसमें 2 साल तो कोरोना ने हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एकदम मोड़ दिया कि प्रगति के सारे काम रुक गए, तो 2 साल हम तो 2 साल पीछे हो गए। 2 साल में एक बार ये बीमारी आई तो हम तो स्वास्थ्य सेवाओं पर लगे रहे, उसको बेहतर किया, उसके बाद अब जो है जो बचे हुए काम थे हमने उसको करना शुरू कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका उदाहरण है, बनारस में काशी के, तो ये चुनावी शिलान्यास नहीं है, चुनावी शिलान्यास नहीं है मान ले। नहीं इसको देखिए, इसको चुनावी शिलान्यास आप मत कहिए, ये आने वाले 22 के चुनाव में फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं और उसके बाद ये हम उद्घाटन भी इसका करेंगे। ठीक है अश्विनी जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। सपा कह रही है कि बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट को बेच दिया है, हम 2022 में आएंगे और एयरपोर्ट को बचाएंगे। देखिए वो 2022 में आए, 2027 में आए, लोकतंत्र का ऐसा है कि हमने लोकतंत्र को खरीदा तो है नहीं, ये तो जनता जनार्दन है, वो हमारे काम को देख कर ले आएगी या उनके काम को देख कर सत्र में तो हटा दिया था। अश्विनी जी एक मिनट, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज। अभिमन्यु जी इतनी बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, क्या कहेंगे? पहली टिप्पणी आपकी बनती है, मुबारकबाद दे दीजिए। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। देखिए जहां भी कहीं विकास की बात होगी कांग्रेस हमेशा वहां जनता के साथ खड़ी है,
इसमें मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन ये मुबारकबाद बड़ी फीकी हो गई है। कैसे? ये फीकी इसलिए हो गई है, एक तो इसमें समय बहुत लंबा लगा है, एक अभी ये पूर्ण नहीं है, बहुत जल्दबाजी में उद्घाटन हो रहा है, और जो बाकी बात है ये हमारा रोजगार है, बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि 7 लाख लोगों को रोजगार देगी, नितिन गडकरी जी के ने कहा एक दिन की 5,50,000 लोगों को रोजगार देगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो रोजगार कहाँ कितने लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बाहर जो ठेला खोमचा लगाए हुए लोग रहेंगे, जो ई रिक्शा वाले लोग रहेंगे उसको भी रोजगार से जोड़ लिया है क्या? लोगों के जेब में पैसा है ही नहीं, हवाई जहाज में कैसे बैठे? अच्छा। और जेवर में इन्होंने जो किया है, अच्छा, हवाई अड्डे बनाने के नाम पर, अच्छा, इन्होंने पूर्ण नहीं है वहाँ हाईवे जो है, जो कनेक्टिविटी रोड है, कनेक्टिंग रोड है, वहाँ आदमी पहुंच ही नहीं सकता है, रास्ते में इतना जाम है, अलग से ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर, हवाई हवाई एक्सप्रेस वे पर जाम लगता है अभिमन्यु जी, अलग से लेन पहुंचे नहीं अभिमन्यु जी, आप एक मिनट मुझे क्लियर करिए, पहले क्लियर करिए, आप ये बताइए कि वहाँ सच में जाम लगता है यमुना एक्सप्रेस वे पर, बुलंदशहर जेवर हाईवे है, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे? मैं हवाई अड्डे के लिए कह रहा हूँ, हवाई अड्डे पे पहुँचने के लिए अलग से लेन दी जाए, लोगों को समय पे भी पहुँचना होता है। अच्छा, तो दिल्ली, जब हम दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो बहुत समय लगता है, तो वहाँ का एयर ट्रैफिक कम होगा ना, ये तो अच्छी बात है। तो मैडम इसलिए तो ही बनाया गया है ना ये, हाँ, तो इसलिए कि वह समय कम से कम लगे, तो उसके लिए सुविधा तो दें कि लोग एकदम से फट वहाँ पहुँच जाए। अच्छा, तो आप मेट्रो सीधा वहाँ पहुँचे, मेट्रो तो बस चले वहाँ की, आपके लिहाज से कनेक्टिविटी हो। अरे तो सीधी कनेक्टिविटी की बात तो हो रही है ना, दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक जोड़ेगा, तो सीधी कनेक्टिविटी है, तो बहुत जल्दबाजी है ये उद्घाटन से। अच्छा, जल्दबाजी है, आप ये बोले ना जल्दबाजी। अश्विनी जी आवाज आ रही है मेरी? काम कर रहे हैं, लगेगा जी जी आ रहे हैं। अश्विनी जी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप, अभिमन्यु जी बिल्कुल इससे खुश नहीं है। ये कांग्रेस की कुंठा बोल रही है, आप देखिए, आपने उन्होंने कहा कि वहाँ जाम लगा रहता है, एक बार कह रहे हैं वहाँ सड़क ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी नहीं है, जाम कहाँ लगा रहता है? ये तो कुंठा बोल रही है, आने दीजिए, सारी चीजों का जवाब समय देता है, और समय पर जो है हम लोग। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि आम आदमी की जेब में पैसा नहीं बचा तो हवाई जहाज में कैसे बैठेगा, जवाब दीजिए। कौन से अभिमन्यु जी, लग रहा है कि पैदल चलते होंगे, शायद इनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, पैदल चलते होंगे, यूपी से पैसा निकल गया है, और आज पूरे देश में चलाने में भी खुश रहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो उन्होंने इनका तेल ईंधन वो सस्ता किया हुआ है, हवाई जहाजों का और मेरी गाड़ी का, कार का, स्कूटर का, मेरे का महंगा किया हुआ है, तो क्या मैं घर पे हवाई जहाज ला के खरीद लूं, खड़ा कर दूं क्या मैं अपने गैराज में? आप पैदल चलो ना, आपके लिए कांग्रेसियों के लिए पैदल चलने की अच्छी सुविधा है देश में, है तो बैलगाड़ी में चलने की, हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता हवाई जहाज पर चल रही है और चलेगी। कांग्रेस ही राहुल गांधी पैदल चले, वो भी एक दिन नोटबंदी के समय एक दिन लाइन में लगे थे, वो भी उसके बाद दोबारा नहीं लगे, कभी दोबारा फोटो नहीं आई, खरीद लिया है, बहुत देश को देख लिया आप लोगों ने, देश को आप लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, सरकार में ही हो रहा है, क्योंकि इस सरकार में भरत रामचंद्र जी से ज्ञान लेने जाता है, ये कहा अमित शाह जी ने, ये जो ज्ञान रामचंद्र जी से मिलने जाता है, हमेशा जानता है, रामचंद्र जी जब वनवास जाते हैं तो भरत जी जानते हैं वहां पे कड़ाऊ लेकर लौटते हैं। अरे विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है अश्विनी जी, अभिमन्यु जी विकास की बात हो रही है, अभिमन्यु जी सुन लीजिए, एक मिनट अभिमन्यु जी सुन लीजिए। जी मैडम, अभी मुझे ये बताइए कि इतना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मैडम मैं तो शुरुआत लग रहा हूँ, जनहित से जुड़ी बातें होंगी उसका स्वागत है, लेकिन विकास के नाम पर जो विनाश कर रहे हैं, ये गंगा जी में लाशें वाही, कोरोना काल में सबने देखा, आपदा में अवसर तलाशा, इन्होंने 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बेचा, ये कैसा विकास है? अच्छा, इन दो साल में कांग्रेस में महंगाई नहीं हुई थी, कांग्रेस जब थी केंद्र में तब महंगाई नहीं हुई थी, तब 80 रुपए किलो टमाटर नहीं बिका था, जब 100 रुपए किलो प्याज नहीं बिका था, तब घरेलू सिलेंडर की जो कीमत थी वो नहीं बढ़ी थी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, कोई कोरोना काल नहीं था, फिर भी महंगाई हुई थी, जीएसटी में लाभ मिला, एक्सेप्ट करना सीखिए ना अभिमन्यु जी, एक्सेप्ट कर लीजिए, हम तो एक्सेप्ट करने को तैयार है हर चीज को, करिए कुछ काम तो करें। अच्छा काम,
अश्विन जी काम करिए, अश्विन जी काम करिए, आप कुछ नहीं कर रहे। इनके बोर्ड को बीमारों को नहीं पहुंचेगी, ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं। अभिमन्यु जी ठीक है, ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, वो अब जवाब तो सुन लीजिए। जी देखिए काजल जी, कांग्रेस के लिए हमारा दो सुझाव है, एक मित्रवत सुझाव है कि आप पहले पूरे देश में अपने दल को बचाइए। दल आपका टूटने डूबने के कगार पर है और महंगाई की जहां तक बात करते हैं, फिर वही, अरे सुन लो यार, सुन लो भाई, जुड़ा होता। अरे कांग्रेस पूरी पार्टी मेघालय में चली गई, मेघालय में खत्म हो गई, पंजाब जनता देश और प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए। आप लोगों को राजनीति छोड़कर, आपसी द्वेष छोड़कर आम जनता की सुख और समृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। अश्विनी जी और अभिमन्यु जी किसानों का, किसान जाके मोदी जी, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों इस बात को समझेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और जेवर एयरपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। तो जेवर एयरपोर्ट क्यों खास है, इसकी खासियत